बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जियाउल्ला खान गाजी। ये वीलॉक उन होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुफीद है जो अभी प्रैक्टिस के अंदर आए हैं और मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन जो जॉइंट्स पेन है या जिनके आर ए फैक्टर पॉजिटिव होते हैं तो उनको कोई खतर खा उसके अंदर कोई रिजल्ट्स नहीं आता। वो कहते हैं कि हमने बहुत सी दूसरी अद्वियात इस्तेमाल की, जस्ट लाइक रुस्टॉक्स वगैरह या बेलाडोना वगैरह, लेकिन पेशेंट्स की जो है पेन वगैरह नहीं ठीक हुई। उनके लिए ये बेहद फायदेमंद दवाई है। होम्योपैथिक की एक दवाई है गलथेरिया। अगर वो इसको इस्तेमाल करवाते हैं इस टाइप्स के पेशेंट्स को जिनके आर ए फैक्टर पॉजिटिव हैं, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, उनके लिए गलथेरिया बेहद मुफीद है। और इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स के पेट में दर्द होता है मैदे वाले मुकाम के ऊपर और उनको गैसेस वगैरह बनती हैं, स्टूल सही तरीके से पास नहीं होता, जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं और इसके साथ साथ गैर मामूली जिंसी तहरीक भी ऐसे मरीजों के अंदर पाई जाती है और चेहरे और सर के जो असाबी दर्द होते हैं वो भी इस दवाई के अंदर पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सोजश होती है और किडनी के अंदर भी इस दवाई के अंदर अलामात के अंदर मौजूद है कि किडनी की सोजश हो, यानी यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो ये वहाँ पर भी बेहद मुफीद है। मैदा की सोजश और नाकाबले बर्दाश्त भूख लगती है। ऐसे मरीजों को भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, बस कोई चीज़ आ जाए तो फौरी तौर पर खा लें। और मैदे के मकाम पर असाबी दर्द भी होते हैं इसके साथ साथ ये, और ख़ास तौर पर जिल्द के ऊपर जैसे डंग लगता है इस तरह के दर्द वगैरह भी होते हैं और जिस्म के ऊपर लाल लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं और ये लाल धब्बे अक्सर जो है गुसल करने के बाद अगर ठंडे पानी से वो नहा लें तो उसकी वजह से ये धब्बे ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे मरीजों को आप गलथेरिया का इस्तेमाल करवाएं। इसको भी क्यू फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है और मैंने इसके बेटर रिजल्ट के लिए इसको 3x के अंदर इस्तेमाल करवाया अपने बेशुमार मरीजों को। तो ये ना सिर्फ आर ए फैक्टर नेगेटिव कर देता है, इसके साथ साथ ये मरीजों के जो जिस्म के अंदर दर्द हैं, असाबी दर्द हैं या जोड़ों के अंदर दर्द है उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। गलथेरिया को आप याद रखिएगा, ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके साथ आप इस्तेमाल करवाएं और होम्योपैथिक को लोगों का जो एतमाद है उसको मजीद मजबूत करें, बजाय इसके कि वो मजीद कोई और पेन किलर वगैरह खाएं और जिसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट हों और तवील अरसे से लोग पेन किलर खाते रहते हैं और एक टाइम के बाद वो पेन किलर भी काम करना बंद कर देती हैं। तो ये आप इसको ये समझ लें कि ये होम्योपैथिक की पेन किलर है जोड़ों के मामले में और जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और अगर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देखें तो वो भी इसको क्यू फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन अलामात के साथ, तो यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।